Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. It's your girl Simran. So in today's video, I'm going to talk about how you can do your makeup in this particular winter season. It's kind of an everyday makeup look and you can say no makeup for winters. अगर आपकी skin dry, dehydrated लगती है, dull लगती है and makeup करने के बाद भी आपको flakiness हो जाते हैं, makeup you know अच्छे से स्टिक नहीं करता स्किन पे और यू कैन से आपको ड्राई पैचेस दिखते हैं मेकअप के थ्रू. सो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी बिकॉज आई एम गोना टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ हैक्स इन टुडेज वीडियो विच विल हेल्प यू टू हैव अ ड्यूई बेस एंड जो कि बहुत प्यारा लगता है विंटर सीजन में, जो कि आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई, ड्यूई एंड हाइड्रेटेड, जूसी दिखाएगी. तो या गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो एंड आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा, ये कंटेंट अच्छा लगा, वाइब अच्छा लगा, देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू कैन प्रेस द बेल आइकन and also comment down below what other videos you want me to make. So yeah, if you want to know how I will get ready for my winters, then please keep on watching. So yeah, talking about this particular video, winters में क्या होता है ना, skin hydrated नहीं रहती है, dull दिखने लगती है, बहुत ज़्यादा dry दिखने लगती है, like glow चला जाता है. You can clearly see, like मैं अपने face को बस wash ही की हूँ, like अभी मेरा face wash से washed है and lip balm apply की हूँ एक, that's it. I don't have anything on my face right now. You can clearly see face कितना ज़्यादा ड्राई लग रहा है. आई होप यू कुड टच माई फेस, आपको पता चलता ये वाला पार्ट मेरा बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है. सो अभी हम पहले कंसंट्रेट करेंगे अपने स्किन प्रेपिंग में बिकॉज आई फील विंटर्स में आपको मेकअप से ज़्यादा स्किन प्रेप करना चाहिए, अदरवाइज आपकी स्किन बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, आप कितना भी अच्छा ब्रांड का मेकअप लगा लो. सो या पहले हम स्किन को अच्छे से प्रेप करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू वॉश योर फेस यूजिंग अ माइल्ड क्लींजर. सो नेक्स्ट द सेकेंड स्टेप यू हैव टू डू, you have to put any good hydrating toner on your face. Guys, today I'm gonna put this particular essence on my face. So this is called the Advanced Nail 96% Mucin Power Essence by COSRX. ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइज, इट्स अ कोरियन प्रोडक्ट ऑफ कोर्स एंड इसको मैं रिसेंटली ही ट्राई की हूँ. आप खुद ही देख सकते हो इतना तक ही यूज हुआ है, ये बहुत बहुत टाइम तक चलता है आई फील. एंड गाइज, आई हैव बीन एंजॉइंग दिस एसेंस सो मच, आई कांट इवन टेल यू. इसने मेरे स्किन बैरियर को बहुत इंप्रूव किया हुआ है एंड आई थिंक आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो. गाइज, आपको कोई भी ऐसा एक टोनर लगाना है जो थोड़ा सा हाइड्रेटेड हो, आपकी स्किन को ड्राई ना बनाए, ओके. सो आप रोज वाटर भी स्प्रे कर सकते हो, वो भी चलता है. अगर आप वो नहीं करना चाहते हो देन यू कैन पुट सम एलोवेरा जेल, दैट विल ऑल्सो वर्क. सो या मैं इसको लगाऊंगी. ओके, सो नेक्स्ट आई एम गोना यूज अ सीरम. Guys, I cannot tell enough how important is to apply a good serum, particularly in this winter season. आपका कोई अगर hydrating serum है, like कोई भी जो कि आप use करने के बाद आपका face थोड़ा सा hydrated feel करता है, and hyaluronic serum is best for winters I can say. And अगर आपको niacinamide try करना है then you can go for this particular one. Guys, this is called the 10% niacinamide serum. It's by Plum. Talking about this particular serum, it's a very hydrating serum. You can see milky texture है इसका, बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है. आई जस्ट लाइक टू टेक 2 pumps of this. अगर मैं डे टाइम पे यूज़ कर रही हूँ इसको. ये नाइसिनामाइड सीरम बहुत अच्छा होता है आपके डार्क स्पॉट्स के लिए, पिंपल मार्क के लिए. सो देन आई लाइक टू अप्लाई दिस सीरम. ये आपके फेस को एक बहुत अच्छा सटल ग्लो देता है एंड इट्स लुकिंग वेरी जूसी. सो सीरम अच्छे से एब्जॉर्व हो चुका है स्किन पे. नाउ आई एम गोना यूज अ मॉइस्चराइजर. सो आई एम यूजिंग दिस मिनिमलिस्ट 5% सेपिकम मॉइस्चराइजर. गाइज, डो नॉट फॉरगेट टू कंसनट्रेट ऑन दिस पार्ट, लाइक आई एरिया पे थोड़ा सा ज़्यादा कंसनट्रेट करना. कंसीलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेकी एंड ड्राई दिखता है, सो दैट्स वाई आप थोड़ा सा आईज पे कंसनट्रेट करना. ओके गाइज, सो यू कैन सी मॉइस्चराइजर भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्व हो चुका है एंड माई स्किन इज लुकिंग वेरी ड्यूई. सो हमारा जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. अगर आप बाहर निकल रहे हो धूप में, एंड विंटर हो चाहे समर हो, कोई भी सीजन हो, आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है. अगर आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो ना डे टाइम पे, देन यू शुड डेफिनेटली यूज़ अ गुड सनस्क्रीन विच इज़ नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी. आप बहुत मार्केट में अभी अवेलेबल है बहुत अच्छे सनस्क्रीन्स. सो इफ फॉर दिस वीडियो आई एम गोइंग फॉर दिस आर्कोलॉजिका सनस्क्रीन. It's a dewy sunscreen, as the name suggests itself. It is going to give you a very dewy finish on your skin, and ये बहुत जल्दी absorb हो भी जाता है. सो गाइज आवर स्किन प्रेपिंग इज डन. सो इसके बाद आपका मेकअप के लिए स्किन पूरा प्रेप एंड रेडी हो चुका है. सो नाउ वी विल डू आवर मेकअप. बट मैं आपको यहाँ पे एक प्रो टिप देना चाहती हूँ, जो कि अगर आप मेकअप कर रहे हो स्किन केयर के बाद तो आपको एटलीस्ट 5 मिनट के लिए स्किन को छोड़ देना है, ताकि जो प्रोडक्ट हम अपने स्किन पर यूज़ किए हैं वो अच्छे से स्किन पे सेटल डाउन हो जाए. आपका मेकअप उसके बाद बहुत अच्छे से स्किन पे ग्लाइड करेगा. सो दिस इज़ वन प्रो टिप, यू कैन श्योरली डू दिस. So in the first step, I'm going to use a concealer, and concealer is very, very important. I cannot skip this part because ये बहुत important है आपके dark circles के लिए, pigmentations के लिए. So आपको एक बहुत अच्छा hydrating concealer लगाना चाहिए winters पे, वरना आपके under eyes dry दिखेगी. So this is a very good option for that. It is the Kay beauty liquid concealer, and my shade is 150. गाइज द नेम ऑल्सो सजेस्ट इट्स अ हाइड्रेटिंग कंसीलर एंड इट्स ट्रू गाइज, बिकॉज मैं इसको हमेशा विंटर्स में लगाना बहुत पसंद करती हूँ. गाइज ये बहुत अच्छे से आपके अंडर आइज को कंसील कर लेता है बट विदाउट मेकिंग इट ड्राई. Guys, if you are doing winter makeup, remember less is more. Otherwise, आपके skin dry प्याची लगेगी. So we don't want that. So आपको अच्छे से इतना बस concealer लगाना है. See, I'm just skipping my these spots because I'm okay with it. अगर आप okay नहीं हो, अगर आपको उसको भी conceal करना है, then go ahead and do that. So मैं बस अपने under eyes को conceal करूँगी. Can you see the difference? This is like hideous dark circle and इस साइड थोड़ा सा manageable लग रहा है. I am done with concealing my under eyes and next I'm gonna put a foundation. So for my foundation I'm gonna take this Mama Earth Glow Serum Foundation. So I'm in the shade 05 Base Glow. So guys this is a dewy foundation. ये आपके skin को एक subtle glow देगा. So I'm using a beauty blender just to make it look very, very natural. So guys next I'm gonna set my foundation using a compact powder. So I'm going to use this Sugar Pop compact. Now the second tip comes that you're supposed to use the same beauty blender whatever you applied for your foundation. So use that blender like this and then just set your under eyes area because वहाँ पे creases होने के chances है ना. आप पूरे face को set मत करना, अपने under eyes को set करो and T-zone को set करो. That is it. Guys, can you see the finish? It's looking very beautiful. I have been enjoying this compact powder a lot. अगर आपको एक अच्छा सा affordable compact powder चाहिए, you can go for this one. This is for ₹250 and ये बहुत अच्छा compact है. Guys, now I'm gonna fill my eyebrows and then I will come back. So guys, my eyebrows are done and eyebrows लगाने के बाद ना पूरा जान आ जाता है face पे and it looks so presentable and put together. Guys, it's an everyday look but I want to do something funky for my eyes today. आप चाहो तो simple रख सकते हो of course and मैं चाहती हूँ कि colored liner लगाऊँ. So I am thinking to go for this palette by Nykaa के and I'm gonna pick this shade. इसको as a liner में use करूँगी and now I'm gonna follow a hack. ओके, सो मैं एक हैक देखी थी लाइक मेकअप हैक, जिसमें ना माइसेलर वाटर में डिप करके इसको लेके आप पिक करके लगा सकते हो अपने आंखों पे एंड इट विल ट्रांसफर लाइक अ लाइनर. आप एक लिक्विड लाइनर की तरह लगा सकते हो. सो आई एम गोना डू दैट, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट. So guys, I'm done with my liner. It's kind of a funky colored liner and मैं बहुत basic liner draw की हूँ, लेकिन it's looking good because हमने थोड़ा सा different किया हुआ है इसमें. I feel everyday के लिए भी ये eye बहुत अच्छा लग रहा है. It's not looking over the top. So for my mascara, I'm going to use this Sky High mascara by Maybelline. You guys already know this is one of my favorite mascaras that I have. ये बहुत अच्छे से lashes को define करता है, length provide करता है. Can you guys see? This is the first coat of the mascara and it's looking very, very beautiful. So yeah, you can surely go for this particular one. So for my blush, I'm gonna pick this lipstick. This is the Nykaa liquid lipstick and in this shade Le Ponte. It's a very, very pretty shade. बहुत अच्छा nude shade है, लेकिन I'm gonna use it for my blush because blush इससे बहुत natural लगता है and ये look के साथ ये वाला color भी बहुत अच्छे से जाएगा. गाइज कैन यू सी दैट नेचुरल ग्लो। गाइज हमने जो स्किन केयर किया हुआ था इसके वजह से ये ग्लो आ रहा है विच इज लुकिंग वेरी प्रिटी। ऑल राइटली सो नाउ आई एम गोना अप्लाई लिपस्टिक। So this is called the Mama Earth Long Stay Matte Lip Set and ये एक matte lip color है but winters में I know आपको थोड़ा सा glossy finish लगाना चाहिए, वो बहुत अच्छा लगता है। So but इसके ऊपर हम gloss लगा सकते हैं। So this is how my makeup looks like. I hope you liked today's tutorial and I feel it's looking very good. हमने जो सोचा था वो achieve हो गया, like glowy base, थोड़ा सा funky color and lips also going with all the look and I feel it's looking great. So guys, that is it for today's video. I hope you liked it. If you did, then don't forget to give this video a big fat thumbs up. Subscribe to my channel, press the bell icon so that whenever I upload a new video, you guys will be notified. And I hope आपको ये video अच्छा लगा हो, then comment section में मुझे बताना आपको कैसा लगा ये look, everyday kind of a look आपको अच्छा लगा या नहीं। And yeah, I will see you in my next video. Bye.